न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। एसपी नॉर्थ और सीओ क्राइम ने कहा बरामद शराब की कीमत लगभग 10,40,000, दो गिरफ्तार। एसएसपी सहित आला अधिकारियों ने किया गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण, डीएम ने कहा यूनिवर्सिटी परिसर में रहेगी सारी व्यवस्था। 20 लाख के स्मैक सहित दो स्मैक तस्कर चढ़े खोराबार पुलिस के हत्थे, 33 मोबाइल सहित नकदी बरामद। एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने किया खुलासा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा आदर्श आचार संहिता का होगा कड़ाई से पालन, डीएम ने लोगों से की अपने मताधिकार के प्रयोग करने की अपील। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयार है पुलिस, ली गई है तैयारियों की जानकारी। प्रत्याशियों द्वारा खर्च किए जाने वाले धनराशि का लेखा जोखा तैयार करने को लेकर एडीएम सिटी की अध्यक्षता में हुई बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद तेजी से चल रहा है राजनीतिक दलों के पोस्टर हटाने का कार्य, नगर आयुक्त ने कहा सूचना मिलने पर कार्यवाही के लिए तैयार है नगर निगम की टीम। लोकसभा चुनाव तथा विभिन्न तैयारियों के मद्देनजर गोरखपुर जनपदीय परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में 31 मई तक धारा 144 लागू, एडीएम सिटी ने कहा उल्लंघन करने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई। महिला सशक्तिकरण पर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के तत्वावधान में आयोजित हुई संगोष्ठी, मुख्य अतिथि ने कहा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है महिलाएं। और अब वोट डालते वक्त मतदाता पर्ची के साथ लाना होगा फोटो युक्त पहचान पत्र, एडीएम सिटी ने बताया निर्वाचन आयोग ने दिए हैं 11 विकल्प।